योगी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी सूबे में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात सामने आती ही रहती है। ताज़ा मामला मऊ के शहर कोतवाली क्षेत्र के शहादतपुरा का है, जहां लेखपाल धीरज सिंह अपने घर में थे, तभी कुछ बाइक सवार बदमाश उनके घर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिससे लेखपाल धीरज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी ने बताया कि कुछ बदमाश घर पर आए और किसी बात को लेकर लेखपाल पर दबाव बनाने लगे, लेकिन जब उन्होंने बात नहीं मानी तो बदमाशों ने गोली मार दी। का पांच लोग रहना के उनसे कहना सकी कागज ले आवत ई कहलो कि बेदिनवा भर तोलो आवत जम के तना फरम जमा कर दिन भर हम जमा कैनी त कहना कि बैठा फिर नहीं से हाई वो लोग का बातचीत होके लागल ओ तने हम कनी के रुका सब्जी 5 मिनट में ले ले आई हां आ लेके गईनी ना सब्जी लेके आवत है पर 10 मिनट हमके लागल जाता अबे गईनी के पीसी के घरवा के आगवा तले फोन कइलो आ के दी त सब्जी कम में ले आ हम कनी खाली किराना के सामान सुबह फ्री ले आ जाते या मोटर रौदा कहते कहना ठीक बा ओतने लेके आई ने तले गुलिया लागल ल ओदा उसी से कोई मारा होगा और कौन था कोई नहीं था कोई नहीं था मैंने तक खून देखा था लगल बा वही में खून से लथपथ बाना हम कने ई का हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अभी तक की जो जानकारी है कि धीरज सिंह की जो हत्या हुई थी, इनके यहाँ चार लोग आए थे, तीन लोग अंदर जाके लगभग 40-45 मिनट से वार्ता हुई थी, एक आदमी बाहर बैठा हुआ था। इनकी पत्नी मार्केट में सब्जी लेने गई हुई थी, उस समय वो भी आ चुकी थी और जब धीरज सिंह उन लोगों को बाहर छोड़ने के लिए आए तो जाते समय उन्होंने उनको गोली मार दी। इनका अपना कोई बिजनेस का या इस टाइप का, चूंकि शराब का भी काम करते थे, तो हो सकता है कि उससे संबंधित कोई या इनके अन्य कोई कारण होंगे जो नॉन पर्सन है, जो उनको परिचित हैं, और मतलब आगे की कार्रवाई जो है मुकदमा विवेचना। सात खोखे, 3 खोखे और 1 जिंदा कारतूस। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर लेती है। पंजाब केसरी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।